नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। आज के इस वीडियो में हम आई शैडो ब्लेंडिंग सीखेंगे, जो कि बहुत ही इजी है मेरे ख्याल से। ये इसके बाद आपको आई शैडो ब्लेंडिंग इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, जिसके कारण आप मेरा कोई भी फ्यूचर अपलोड्स मिस ना कर पाए। तो फिर मैं पहली चीज़ एक कंसीलर लूँगी, जो कि मेरे पास है। ये क्रायलन कंसीलर इन अ शेड आइवरी। ये बहुत ही ब्राइट और डूवी कंसीलर है। मेरे ख्याल से एप्लीकेशन बहुत ही इजी होता है इससे। हाँ, नॉर्मली अदर कंसीलर्स, बहुत सारे ऐसे कुछ कंसीलर्स हैं जो कि बहुत ही ड्राई फील करती हूँ मेरे चेहरे पर, तो फिर ये वन ऑफ द बेस्ट है अगर ड्राई स्किन के लिए है तो। फिर मैंने नेक्स्ट स्मूथ फिनिश पाउडर यूज़ किया, जो कि मैं एक तरह से पैक कर रही हूँ। आप देखेंगे मैं बहुत ही लाइट हैंडेडली इसे अप्लाई कर रही हूँ, और मैं इसे 5 सेकेंड के लिए रहने दूँगी ताकि वो सेट हो जाए मेरे आईलिड्स। हम बेस आई शैडो से चालू करेंगे, और मैं ये पीच कलर यूज़ करने वाली हूँ, जो कि स्मैश बॉक्स ब्लश पैलेट से है। और मैं ऑल ओवर लिड लगाऊंगी। आप देखेंगे यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग को सबसे ज़्यादा इसके लिए टाइम देती हूँ, बिकॉज जो आपका पहला बेस शेड रहता है उसको ब्लेंडिंग के लिए आपको टाइम देना ही पड़ता है, वरना उसके ऊपर आप जो भी कलर लगाते हैं, जो भी आई शैडो अप्लाई करते हैं, वो बहुत ही ब्लॉची देखने लगता है। आप देखेंगे मैंने इसके लिए सबसे ज़्यादा टाइम दिया है, और इंटेंसिटी सबसे आखिर में बरकरार रखी है। नेक्स्ट मैंने ये थोड़ा डार्कर कलर लिया है, जो कि मैं एज ऑफ द लिड लगाऊंगी और इनर कॉर्नर्स ऑफ माय लिड लगाऊंगी, जिसके कारण क्या होगा कि आपके आईलिड्स थोड़े से हुडेड हो जाए, और हाँ, स्पेसिफिक एरिया बना के रखें। बहुत बार मैंने देखा है कि आई शैडो ब्लेंडिंग इतनी बेकार रहती है, जिसके कारण लोगों के पास अलग कलर अप्लाई करने के लिए जगह ही नहीं रहती, और उनके आँखें बहुत ही छोटे दिखने लगते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें चाहिए कि हमारे आँखें थोड़े बड़े दिखें। और फिर वही शेड मैं अपने लोअर लैश लाइन के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ, जिसके कारण क्या होगा कि हमारे आँखें एकदम ओपन, वाइड ओपन दिखने लगेंगे। फिर मैंने ये दोनों शेड लिए हैं, और हाँ, मैंने ये फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश से अप्लाई किया है। क्या होता है, नॉर्मली अगर आप फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करते हैं तो फिर उसके कारण आपके ब्लेंडिंग बहुत ही ईजी हो जाती है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ता उसमें। अगर आप नॉर्मली एक फ्लैट ब्रश लेते हैं शिमर शेड अप्लाई करने के लिए, तो फिर उसके कारण क्या होता है कि आपको उसके लिए स्पेसिफिकली टाइम देना पड़ता है। फिर मैंने ये मोकासिन शेड लिया है, और मैंने ये पहले लोअर लैश लाइन को लगाया, और मैंने उसे कनेक्ट करते हुए मेरे इनर कॉर्नर्स को भी लगाया, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मेरे आईलिड्स के जो अंडर आई बैग्स हैं वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए। देन आई यूज़ दिस ऑल्सो फॉर माई ब्राउ बोन। आप कोई अलग भी शेड यूज़ कर सकते हैं अपने ब्राउ बोन के लिए, पर मेरे लिए यही अच्छा दिखता है मेरे ख्याल से तो। उसके बाद हम कोई भी मस्कारा लेंगे, ये वेट एंड वाइल्ड का मेगा स्लिम स्किनी मस्कारा है, मैंने अप्लाई किया। आप देखेंगे अगर नॉर्मली आपके मस्कारा टेक्निक्स ख़राब होंगे, तो फिर मेरे पास एक ट्यूटोरियल है जहाँ पर मैंने प्रॉपरली मस्कारा एप्लीकेशन दिखाया, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिर ये फिनिश लुक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप दीजिए। ऑल्सो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना मत भूलिए, एंड या